आप लोग कहाँ हैं? आप लोग को इतना डर लगता है, मुझसे डर लगता है? मेरे पास कोई हथियार नहीं है और आपने यहाँ पे हथियारों से हैवी लोग खड़े किए हुए हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स, पुलिस, रेंजर्स, इतने शेम, पैसे शेम। और इतनी इतनी अकल अगर आप हमारी हेल्प करने में कर दें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। ये पीसफुल प्रोटेस्ट है, कोई लड़ाई नहीं करेगा। हम यहाँ बैठेंगे और अपना एहतजाज दायर करेंगे और हम अपनी डिमांड्स लेकर आए हैं और हम प्रोटेस्ट करेंगे। आपके रसूल का, हमारे रसूल का, हम सबके रसूल का पूरा मान एहतजाज। करेंगे सोशल मीडिया पे भी जाएंगे, टीवी पे नहीं जाएंगे तो कैसे हमें जस्टिस मिलेगा? यहाँ तो जस्टिस मिलता ही नहीं है, सिर्फ इसी तरह मिलता है। बारिश के अंदर उनके घर में बिजली नहीं आ रही, जो छोटे बच्चे होंगे जब वो अपना ग्रीवेंस लेके कैंटोनमेंट बोर्ड के बाहर गए हैं, ऐसे ही इनोसेंट सिविलियंस थे तो डीएचए वालों को बाहर निकाले। हम थक गए हैं डर के, हमें पुलिस वालों की धमकियां दी गई, FIR कटाई गई। हम जाएंगे जेल में भी जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उन गरीबों की आवाज बनेगी जो आज यहाँ नहीं आ सकते। हमारा हफ्ते बैठे ड्रामे करने के लिए लगा के रखे हुए वहाँ पे। कोई जो भी डीएचए के जो हेड्स हैं वो आके बात करें। यहाँ पे सारे पीसफुल सिटीजन हैं, यहाँ पे कोई भी आपसे लड़ने नहीं आया है, जो सारी अपने पुलिस की नफरी सामने खड़ी करके रखी हुई है।
सारे हम लोग बात करने आए हैं, आप हम लोग आपके क्लाइंट हैं, यू हियर टू सर्व अस। तो लोगों के बेसमेंट में निकलना शुरू हुआ है, करोड़ों के, खरबों के, अरबों के नुकसान है, वो थोड़े जो वी कैन नॉट यूनाइट, वो जब आएंगे तो हमारी आवाज नहीं उठती। पर आज कराची के हर शर्म आनी चाहिए। अभी तक किसी का रेजिग्नेशन नहीं आया। अरे कोई अच्छा गैरतमंद बंदा होता तो रेजिग्नेशन ही दे देता। इतने तकलीफ से गुजरे, बारिश के जमाने में बिजली नहीं है, घरों के अंदर पानी आ गया है, घर गीले आपके सारे, इतनी तकलीफ से गुजरे और उसके बाद जब वो तुम्हारे पास जाते कि यार हमारी मदद करो तो उसमें FIR दर्ज कर दी। यार ये क्या ब्रिटिश राज है, ये पाकिस्तान है। आसान कर दो यार और ये FIR वापस लो। वापस लो FIR।